गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी ये जो क्लास है ये पूरे 3 दिन की मेहनत के बाद रेडी हो रहा है, बिकॉज मैंने इसके अंदर वन शॉट क्लास करानी थी मेरे को मैथ की। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं लास्ट टाइम में कुछ मैथ के लिए सर लाओ, जहाँ से 7 में 7 तो बन जाए या फिर 5 बन जाए 4 बन जाए, मैथ नहीं बन रहे, कुछ तो मदद मिले। ठीक है चलो, एक क्लास है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐड किया था, 3 दिन से कट कर रहा था, ऐड कर रहा था, क्या पढ़ाई जाए क्या की जाए, मतलब काफ़ी रिसर्च में टाइम लगा कि किन किन टॉपिक से एयरफोर्स बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एग्जाम। बहुतों को ये भी नहीं पता कि रगा के अंदर मैथ आता है कि नहीं आता, तो रगा के अंदर 7 मैथ आते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 8 मैथ आते हैं। तो वहाँ से मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए, कुछ ईजी वाले, कुछ मॉडरेट वाले, कुछ टफ वाले। तो बस अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना अभी तक मैथ में, तो इस क्लास को फॉलो करो, इस रूल को फॉलो करो, उसके बाद हमारी PDF से प्रैक्टिस कर लो, जितना हो पाता है उतना ही, सारा चीज़ करने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम में। अब ये PDF क्या चीज़ है, तो हमारी टॉप 500 सीरीज़ की जो PDF है ना, एयरफोर्स वाई ग्रुप की रीजनिंग है, एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ है, एयरफोर्स वाई ग्रुप की करंट अफेयर एंड GK की PDF है, और हमारी ये इंग्लिश की PDF है, वोकैब और कॉमन इंटर की, जो कि एक्स एंड वाई दोनों के लिए रहेगी। तो इन सारे PDFs को आपको बाय करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, कहाँ से, तो व्हाट्सअप करके। अगर आप मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश में ग्रामर हो चाहे वोकैब सेक्शन हो, करंट अफेयर GK की PDF पढ़ के अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप सारी PDFs को बाय करके एग्जाम से पहले पढ़ लेना। और इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अब मैं डायरेक्टली जिस दिन एग्जाम होगा उसके रिव्यू के दिन बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है, और क्या फायदा हुआ। तो चलो सबसे पहले लोग LCM SCH बेस्ड को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब LCM में देखो एक चीज मैं कहना चाहूँ ना यहाँ पे, कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर ना पूरी मैथ को कवर कर पाना किसी का मतलब औकात नहीं है। तो ओवरऑल मैंने बहुत ही चुनिंदा चुनिंदा टॉपिक्स खाली उठाए हैं हर चैप्टर से, या फिर हर चैप्टर तो ना ही कहूँ, मेन मेन चैप्टर से, कि जो जो टॉपिक से सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हाई रहती है और बहुत बार इनको पूछा गया है। ठीक है, तो ये चल के मत सोच लेना कि यहाँ से ये पढ़ के आपका पूरा मैथ समझ में आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा, बस सेलेक्टेड टॉपिक्स आएंगे समझ में आपके, ओके। और इस बेसिस पे आप अगले एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे, ये तो लास्ट टाइम के लिए मैं दे रहा हूँ, अगर मान लो किसी की मैथ बिल्कुल भी खराब है उसके लिए अगली बार अगर तैयारी करना हुआ, तो आपको बेसिक से पूरी पढ़नी चाहिए, किसी के पास पढ़ो लेकिन बेसिक से पढ़ना। अब देखो LCM और SCF बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको कराऊँ, तो LCM और SCF ना एक रूल होता है, पता है क्या, हमारे पास एग्जाम में हमको LCM दिया रहेगा, SCF दिया रहेगा, फर्स्ट नंबर दिया रहेगा और सेकंड नंबर दिया रहेगा, तो बोलेगा सब दिया ही रहेगा तो फिर खोजना क्या है, मतलब 4 चीज़ों पर आधारित क्वेश्चन दिया रहेगा। अब मतलब एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इन 3 चारों में से 3 चीज़ की वैल्यू दी रहेगी, चौथी वैल्यू आपको खोजने के लिए कही जाएगी। मतलब ये ना कि देखो आपसे कहेगा कि LCM बता दो क्या होगा जब उसका SCF दिया रहेगा और 2 संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा, या फिर वो 2 संख्याएं दी रहेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और 2 संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा, तो मतलब गुणनफल अगर दिया है ना, तो देखो यहाँ पे मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या दी रहेगी तब, और तो उसकी फॉर्मूला होती है, और LCM बटा में SCF, इन दोनों पे मैं फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन करा देता हूँ। ये क्या सीन है, ये 2 फॉर्मूला रहो, देखो आप ध्यान से कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू SCF फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और MN की वैल्यू मतलब हो गया ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल अगर दे रखा है पहले से, तो LCM दिया रहेगा तो SCF निकालना होगा, और 2 संख्याओं का गुणनफल पूछेगा अगर LCM SCF दिया रहेगा तो। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे निकालेंगे, बोलेंगे सर क्या कह रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ना फिलहाल सेकंड फॉर्मूला छोड़ दो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला समझो, पहले वाले क्वेश्चन देता है ज़्यादातर। जैसे देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है उसी फॉर्मूला पे आधारित, इसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका क्या कह रहा है। 2 संख्याओं का ना आपसे कह रखा है LCM और SCF दे रखा है, 864 और 36। हमारा LCM है 864, यहाँ पे मैं नोट करते जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और हमारे पास SCF क्या दे रखा है, 36, और हमारे पास फर्स्ट नंबर दे रखा है क्या, ये 108 है, तो सेकेंड नंबर बता दो क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर मेरे को पूछा जा रहा है, तो मैंने वही फॉर्मूला यूज कर लेना है ना आपको, LCM इंटू SCF वाला इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ओके, तो मेरा LCM कितना 864, SCF कितना 36, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 108, सेकेंड नंबर मेरे को पता नहीं, मैं सेकेंड को सेकेंड रहने दूंगा, और 36 से 3 बार में कट जाएगा, और सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, 864/3। ठीक है, तो ये 288 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, ठीक है, ये हमारा 288 हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल वैल्यू कहाँ से आया, ये हमारी सॉल्यूशन का कोई हिस्सा नहीं था, ये हमने जस्ट डेटा को ऊपर से लिखा समझाने के लिए,
हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो फॉर्मूला ही है, मतलब 1, 2, 3 लाइंस के अंदर इसको हम बना सकते थे अगर ये फॉर्मूला अपने को पता हुआ तो। नहीं पता हुआ तो बैठ के सोचेंगे, विचार करेंगे। और बहुत बार कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, जैसे ये देखो, 4 घंटियां रहेंगी या फिर 4 लोग रहेंगे, एक स्थान से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर किसी घड़ी की सुइयां, अलग अलग घड़ी की सुइयां एक समय पे चलना स्टार्ट करेंगे। मान लो यहाँ पे दिया रहेगा 4 घंटियां क्रमशः 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 32 सेकेंड में और 36 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं, ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि कुछ कुछ टाइम इंटरवल पर एक साथ बजेंगी वो, ठीक है। तो मान लो वो एक साथ बजना स्टार्ट कर दी जाए तो पुनः कितने समय के बाद एक साथ बजेगी? अगर सबको एक साथ बजा दिया जाए तो अगली बार वो कब एक साथ बजेगी? तो बोलोगे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो डेटा दे रखा है ना, उनका एलसीएम निकाल लेना, और ध्यान देना कि डेटा का यूनिट क्या है, सेकंड में है, मिनट में है, घंटे में है, क्या है, इसको भी माइंड में रखना। जब भी ऐसा सवाल दे कि इतने इतने इंटरवल पे कुछ चीजें स्टार्ट हो रही है, लाइक कुछ लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं या फिर घंटियां बजना स्टार्ट होती हैं या फिर घड़ी की सुइयां चलना स्टार्ट होती है, कुछ भी ऐसा दे सकता है। तो जो वैल्यू रहेगा उनका आपको सबसे पहले वो निकालना है जो मैंने कहा, अभी एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72 होता है, बट 32 से नहीं कटेगा इनका, 6 दूनी 12 7 8 9 दूनी 18 39 23 28, ठीक है, 288 बार में कट जाएगा। मतलब मैंने कैसे कर लिया, यहाँ पे मैंने 7 से दिया डिवाइड, तो हमारा 7 बार में आ जाएगा, 7 बार में नहीं आएगा, 12 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा 9 बार में जाएगा, तो 36 से भी कट ही जाएगा, ठीक है, 8 बार में, और 18 से भी कट जाएगा, ठीक है। हमारा एलसीएम 288 बिल्कुल भी यहाँ पे सही है, ओके। अब हमको क्या करना है, ये हमारा सेकेंड में वैल्यू आ गया। आपने एलसीएम जैसे निकालना हो ऐसे लाइन खींच के निकाल लेना, ठीक है, आप अपना एलसीएम ऐसे निकाल लेना। मैं थोड़ा सा स्पीड में निकाल लिया मैंने, उसमें कोई इशू नहीं है, जिसको जैसा सही लगे उस तरीके से एलसीएम निकालो, ठीक है। तो हमने 288 इसका एलसीएम निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगली बार सारी घंटियां ना 288 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। तो भाई, तो 288 सेकंड को क्या कह रहा है आपको, पूरा मिनट में बता दो, या तो ऑप्शन में आपके 288 288 सेकंड रहेंगे, या फिर इसको मिनट में कह देगा। तो मिनट में कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड कर देते हम लोग, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं कटाना, आप ऐसे डिवाइड करना 60 से, तो 4 बार में कटेगा, 6 6 24, मतलब हो गया हमारा 4, ये मिनट हो गया 4 मिनट, और जो हमारा रिमाइंडर बच गया वो क्या है, 48 सेकेंड हो गया हमारा। या तो ऑप्शन में ये 4 मिनट 48 सेकेंड रहेगा, ठीक है, या फिर 288 सेकेंड रहेगा, या फिर कोई एक टाइम दिया रहेगा कि एक बार वो 12 बजे बजेंगी तो, या फिर 10 बजे बजेंगी तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे। तो 10 बजे में 4 मिनट 48 सेकेंड जोड़ दोगे तो 10:04:48 में बजेंगे, या फिर 12 बजे दे रखा है तो 12:04:48 में बजेंगे, कोई भी टाइम रहेगा, या फिर आपका ये घंटे में ऑप्शन रहे, कोई बड़ा बड़ा वैल्यू रहे और इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो उसको आप घंटा में अगर पूछे तो घंटा में चेंज करके आप जो भी टाइम रहेगा उसमें ऐड कर देना, सिंपल से ये आपका 4 मिनट 48 सेकेंड हो गया। अब देखो, एक सवाल इस तरीके से दिया रहेगा एलसीएम एससीएफ का, मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ एलसीएम एससीएफ में, बहुत ही लिमिटेड में 2-3 टाइप बता रहा हूँ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कहेगा दो संख्याओं का, इतना पता नहीं क्या हुआ कि गला बहुत ज्यादा फंस रहा है, दो संख्याओं का 4:5 के रेशियो में तथा उनका जो है एलसीएम आपका 120 दे रखा है, तो एससीएफ बता दो क्या है। देखो, मैं आपको, मैंने पढ़ाया अभी जस्ट, पता है क्या, या तो आप इनको एक दूसरे देख, तरीका हमारे पास पता है क्या, 4 × 5, ठीक है, यू करके निकाल सकते हो आप, ओके, ऐसे कर दोगे 120 तो ये कट जाएगा। मान लो एक नंबर ये x है और ये 4 × 5, तो हमारा ये कट गया, 5 × 2 = 10 और ये 4 × 5 = 20, तो ऐसे नहीं कटेगा, 2 × 6 = 12 6 कटेगा ये। मैं बताता हूँ कैसे मैंने किया, 4 × 5 × 120 कर लोगे तो ये 5 × 2 = 10 और ये 5 × 6 = 24 आ रहा था ना, मैंने 0 लिख दिया था, 4 × 6 = 24, x = 6 आ जाता, तो हमारा पहला नंबर क्या होता, 4 × 5, दूसरा नंबर हो जाता 4 × 6, दूसरा नंबर होता 5 × 6, 24 × 30 हो जाता। तो बोलोगे ठीक है, लेकिन ये रूल क्या है, तो ये रूल उसको समझ में आ रहा होगा जिसने एलसीएम एससीएफ पढ़ाया, जिसने नहीं पढ़ाया वो कैसे निकालेगा। मैं आपको 2-3 मेथड बताता हूँ इसके ऊपर, सब समझ में आएगा। मान लो दो चीजों का आपका ना एलसीएम रेशियो दे रखा है और उनका एलसीएम दे रखा है, तो मान लो पहला नंबर आपका 4x है, दूसरा नंबर 5x है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अब इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या डिवाइड दूंगा, मैं x से डिवाइड दूंगा, तो x से x कट जाएगा यहाँ पे तो 4 बचेगा, x से इसमें x कट जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब
एक्स इंटू फोर इंटू फाइव की वैल्यू 120 आ रही है, ओके। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 6 आ गई। तो पहली संख्या हमारे पास 4x थी, दूसरी संख्या 5x थी, तो मतलब 4 × 6, 5 × 6 बराबर 24 × 30। हमारा ये मेथड 1 था, ओके। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा फॉर्मूला अगर आप जानना चाहोगे, इसमें हमने कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रखा है, मेथड 2 में अगर ले जाता हूँ, तो हमारा फॉर्मूला पता है क्या होता है, पूछा कि आपसे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम बटा में रेशियो 1। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या है 120, रेशियो 1 क्या है 4, तो ये कट के हो जाएगा 30। और हमारा सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम बटा में रेशियो 2, तो हमारा हो जाएगा 120 बटा में हमारा सेकेंड रेशियो क्या है 5, तो 24। देखो एक नंबर 24 और एक नंबर 30, दो नंबर हमारे पास है, 30 और 24 का पेयर कहाँ पे हो, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। समझ में आ गया ना, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, इजी थी, दोनों मेथड का यूज करके हम बना सकते थे। तो ये तीन टाइप के सवाल एलसीएम एचसीएफ से ज्यादातर एग्जाम में दिए जाते हैं। अब मैं ना आपको परसेंटेज बेसिस पे चीजें बताऊंगा, परसेंटेज में बहुत ज्यादा क्या सवाल पूछा जाता है। और इसके अंदर सबसे पहले देखो, बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा ना, किसी चीज के अंदर ना क्या होता है, परसेंटेज में थोड़ा सा देखोगे अजीब तरीके से चेंजेस आएगा। वो अजीब तरीके से क्या है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। जैसे लगातार कोई रिलेशन दिया रहेगा, मान लो एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का ना 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, 47 पैसे, तो लड़के का जेब खर्च कितना था। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे पता नहीं क्या दिमाग में लगाते हैं, तो वो माइनस प्लस करने लगते हैं बार बार, उतना करने की इसके अंदर जरूरत ही नहीं है। जब भी अगर कंटिन्यूअस रिलेशन दी जाए ना, तो मान लो कि स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू एक्स थी, अब एक्स में देखो पहले 80% हो चाहे 20% हो, बढ़ रहा है कि घट रहा है क्या डिपेंड करता है उस पर। अगर बढ़ रहा है तो 100+ करो, अगर घट रहा है तो माइनस करो, R1% बटा में 100। फिर मल्टीप्लाई सेकेंड में क्या है, फिर सेकेंड में भी जैसे 6% 7% कुछ भी दिया रहेगा, अगर बढ़ रहा है तो 100 में एक्स प्लस करो और घट रहा है तो माइनस करना, R2% बटा में 100। और फिर कुछ आगे दे रखा है उसको फिर से यही फॉलो करो, 100+ माइनस R3% बटा में 100 डॉट 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 इज इक्वल टू, जो उसकी होगी फाइनल वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। देखो जेब, उस लड़के के पास क्या था, जेब खर्च के लिए पैसे दिए गए थे, ठीक है, तो मान लो X रुपीज उसको दिए गए थे, अब उसमें से उसने 80% खर्चा कर दिया, तो 100 में से 80% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 20%। मैंने वही किया, 100 में से 80% खर्चा कर देंगे, अब ओवरऑल जो वैल्यू बचेगी अब उसमें से और खर्चा करेगा 6%, वो दोस्त को दे चाहे किसी को दे, तो वो 6% फिर से घटा रहा है। अब उसके पास थर्ड कोई हमारे पास नहीं है, तो हम छोड़ देंगे इतना ही पे। अब उसके पास ओवरऑल वैल्यू कितना बचा है, फाइनल 47 पैसे, तो 47 पैसे को मैं रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये 0, एक 0 कट गया मेरा, ये क्या मिलेगा, 100 एक्स इंटू 20 बटा में 100 इंटू हमारा हो जाएगा 94, ये बटा तो 100 नहीं होगा, ये 47, 47 से 2 बार में कट जाएगा ये, और 20 से ये 5 बार में कट जाएगा, ओके। तो एक्स बराबर क्या हो गया, 5/2, मतलब उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे भाई, 2.5 रुपीज थे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसको ना कंटिन्यूअस रिलेशन पे आधारित बहुत बार एग्जाम में दिया जाएगा, बहुत बार दे देंगे। किसी शहर की ना आबादी बढ़ रही है, स्टार्टिंग में समथिंग कुछ थी 10,000 20,000, और लगातार 3 साल 10% 20% और 30% के हिसाब से बढ़ रही है, तो बढ़ेगी तो लगातार हम प्लस प्लस करते जाएंगे, और घटेगी तो माइनस माइनस करेंगे। अब पूछेगा कि बताओ 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फाइनल वैल्यू को एक्स मान लेना, या फिर 3 साल के बाद की वैल्यू देगी कि 3 साल ना लगातार 10-10% 20-20% या 30-30% के हिसाब से बढ़ा या फिर घटा। ये देखा पहला साल 10% बढ़ा, दूसरा साल 20% घटा, तीसरा साल फिर कुछ बढ़ गया, और उसकी अब जो है ना 50,000 आबादी है, तो स्टार्टिंग में क्या थी, तो स्टार्टिंग में एक्स मान लेना और इसी नियम का फॉलो कर लेना। समझ रहे होगे, अब हर चीज को मैं बहुत ज्यादा छीलूंगा नहीं, बट उसी पे आधारित एक और सवाल करा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो एक आदमी अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, मतलब वो जो कमाता है ना उसमें से 20% वो खर्च कर देता है, मकान का किराया देता है, और बाकी का जो फिर पैसा बचता है खर्च करने के बाद वो 70% शिक्षा पे दे देता है। ओवरऑल जो वैल्यू उसके पास बची है वो 3600 रुपये बची, तो उसकी कुल आय कितनी है, तो मान लो कुल आय एक्स है, तो वो 20% खर्चा कर दिया, तो मकान के किराए पे तो कितना बचा, 80% बचा। अब जो ओवरऑल ओवरऑल वैल्यू मेरी बची इसमें से, तो उसका मैं 70% खर्चा करूंगा, तो
मेरे पास 30% बचेगा, ठीक है। तो अब जो मेरी वैल्यू बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 3600। अब इसको ना 100 माइनस 20 कर लेते, 100 माइनस 70 कर लेते, तो यही वैल्यू। तो ये 0000 ना मेरा यहाँ से कट जा रहा है ये, और 3 से ये कितने बार में कटेगा, 12 बार में, और ये 4 दुनिया 8 कट जाएगा, और ये 4 से 12 कट जाएगा, ये 2 से 50 बार में कट जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 50 × 100, मतलब 15 फिर 000। तो उसकी जो स्टार्टिंग में सैलरी थी, इनकम थी, वो कितनी थी, 15,000 रुपये थे। तो इस मेथड का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये सारे बीबीआई रूल्स जो थे यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने वाले थी, वो चीज़ मैं बताता हूँ। अब देखो मैं जो सबसे खतरनाक लेवल की बता रहा हूँ नियम, मैंने आपको पहले इसमें 3 तरीके के बताई थी। पहले बोलता था मैं R1 × R2 × R1 100, फिर मैंने एक बताया था R1 + R2 + R1 × R2 / 100, और एक चीज मैंने बताई थी R1 − R2 + R1 × R2 / 100। अब मैं बोलता हूँ ये 3 नियम को गोली मारो, मैं एक नियम सिखाता हूँ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मान लो लगातार किसी संख्या में ना X% बढ़ाया जाता है और Y% घटाया जाता है, कोई भी चीज हो, ठीक है। X% बढ़ाया जाएगा, Y% घटाया जाएगा, तो उसकी फाइनल वैल्यू अब क्या आएगी, मतलब उसमें कितने परसेंट की कमी होगी या फिर कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, कितने की इंक्रीजमेंट होगी, कितने की डिक्रीजमेंट होगी। तो ये चीज समझना, अगर X% बढ़ाया जा रहा है चाहे Y% घटाया जा रहा है, तो पहले तो ये फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। एक्स, ये फॉर्मूला, अब जो वैल्यू बढ़ रहा है उसके लिए, ये मान लो एक्स है तो एक्स को प्लस मानना, अगर घट रहा है तो माइनस एक्स मानना, अगर Y% बढ़ाया जा रहा है तो वाई को प्लस में मानना, और घटाया जा रहा है तो माइनस में मानना। और यहाँ पे भी उन वैल्यू को प्लस माइनस के साथ रखोगे तो इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, और जब वृद्धि होगी तो उसके लिए प्लस, और घटेगी डिक्रीजमेंट होगी तो उसके लिए माइनस का यूज करेंगे। और इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे मान लो किसी संख्या को ना पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 10% क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है प्लस मान लो, फिर Y% मतलब घटाया जा रहा है, मतलब 20% घटाया जा रहा है, तो अब उसमें कितने की चेंजेस आएगी, ये चीज मेरे को बता दो। मैं बोलता हूँ इसको बनाने का नियम हमने क्या पढ़ा, X + Y + X × Y/100। लेकिन भाई देखो, मेरा पहला X की वैल्यू क्या थी, 10% बढ़ रही थी, तो मेरे प्लस में रख दिया, फिर प्लस हो गया। अब Y मेरा माइनस में, तो मैं ब्रैकेट में करके -20 रखूंगा, प्लस हो जाएगा हमारा क्या यहाँ पे, 10 × -20/100। तो भाई देखो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 10 − 20। ये चीज तो क्लियर हो गया आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये 10 और 20 क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -200 आएगा, तो ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -200/100। तो ये 0 0 कट गया, ये हमारा हो गया -10 − -2, मतलब -12%। अब जब मेरी वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ये वैल्यू। ओके, अगर मेरा आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब कि कमी आ रहा है, पहले से प्रतिशत में 12% की कमी हो जाएगी। अगर ये वैल्यू मेरे को पॉजिटिव देता तो इसका मतलब वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसी रूल पे एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं अगले रूल की तरफ जाऊंगा। फिर कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 30% घटाया जाता है, दोनों बार देखो घट रहा है, एक्स की वैल्यू भी क्या है -20%, वाई की वैल्यू क्या है -30%। तो मैं कह रहा हूँ यही फॉर्मूला लिखूंगा, X + Y + X × Y/100। तो मेरा एक्स की वैल्यू -20 प्लस वाई की वैल्यू मेरी -20, 30, -30 है ना वाई की वैल्यू, प्लस हो जाएगा -20 × -30/100। तो ये देखो, ये तो भाई ये 30 को मैं जरा साफ साफ लिख देता हूँ, हमारा हो गया -30। तो गई यहाँ पे तो हमारा प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, तो मतलब -20 − -30। ओके, अब ये देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस ही बन जाते हैं, तो ये माइनस माइनस कट जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए तो हमारा हो जाएगा ये 600/100। तो 0 0 कट गया यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा कितना, -50 + 6 = मेरा हो जाएगा -44। अब मेरी फिर से वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो ये कमी हो रहा है, प्रतिशत क्या 44% ही कमी हो गई, इसका मतलब 44% घट रहा है, डिक्रीज हो रही है। अगर यही प्लस में देता वैल्यू तो मेरी इंक्रीज हो जाती। अब मैं रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट नियम पे चलता हूँ, जिसका मतलब होता है जो मैंने मास्टर क्लास के अंदर ना अंधाधुंध धूम मचा रखा था, ठीक है। मैं बोलता था ना कि प्रथम अनुपाति बताओ, सेकंड अनुपाति बताओ, मतलब मध्य अनुपाति, तृतीय अनुपाति, चतुर्थ अनुपाति, बच्चे ना मैं जब बोलता था ना कि BC/Y है तो सोचते थे कि BC का मतलब गाली वाली दे रहा मास्टर, ये ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला होता है और इस पे हर शिफ्ट में एक आध सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मान लो रेशियो का एक फॉर्मूला है, कुछ दो नंबर रहेंगे, बोलेंगे प्रथम अनुपाति निकालो, तो बोलो आपका फॉर्मूला होगा A² × B,
मान लो आपसे कहेगा ना, देखो ठीक है बताओ, 16 एंड 4 का ना फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालो आप, ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी, ए की वैल्यू 16 है तो 16 इंटू 16 बटा में 4, तो 4 6 16 मतलब 64 हो जाएगा हमारा, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। वही मध्य अनुपाती कहेगा तो अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। अगर आपसे कहे तृतीय अनुपाती तो ए इंटू बी का तृतीय अनुपाती कहेगा तो बी स्क्वायर बाई ए, देखो फर्स्ट वाले का उल्टा हो गया, फर्स्ट वाला था ए स्क्वायर बाई बी, तृतीय वाला हो जाएगा बी स्क्वायर बाई बी। अगर चतुर्थ अनुपाती कहे तो वहां पे 3 डिजिट होंगे, खाली चतुर्थ अनुपाती में ही 3 डिजिट होंगे, ओके, तो चतुर्थ अनुपाती में क्या हो जाएगा भाई, बी सी बाई ए, बी इंटू सी बटा में, ओके। इन तीनों पे फॉर्मूला कराता हूँ, एक पे तो मैंने करा दिया, और बाकी तीनों पे क्वेश्चन कराता हूँ। बोलेगा 4 64 का मध्य समानुपाती निकालो, मध्य अनुपाती या फिर समानुपाती कुछ भी कहेगा, प्रोपोर्शनल कहेगा, तो क्या करना है, अंडर रूट ए बी, इट विल बी 4 इंटू 64, तो 4 क्या निकलेगा 2 और 64 क्या निकलेगा 8, मतलब 16 हो गया हमारा। ये सीजीएल में भी पूछता है बहुत बार, ठीक है चलो आगे देखते हैं हम लोग। 25 और 35 का तृतीय अनुपाती बोलो तो बी स्क्वायर बाई ए होता है, तो बी की वैल्यू 35 है, 35 इंटू 35 और ए की वैल्यू 25, तो 5 से 5 बार में कटेगा, 5 से 7 बार में कटेगा, और ये 5 से 7 बार में कटेगा, इसका मतलब 49 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये कह रहे हैं 0.12 0.21 तथा 8 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो, चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, बी सी बाई ए, तो बी हमारा 0.21 जीरो पॉइंट और सी हमारा 8 और ए की वैल्यू है 0.12, हमारा ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, 2 डिजिट है लास्ट में दोनों के बाद, तो मेरा पॉइंट पॉइंट कट गया, ठीक है, 4 के टेबल से 2 बार में, 4 के टेबल से 3 बार में कटेगा, और ये 3 7 21, कुल मिला के 14 हमारा आंसर आ गया। ये तीनों चारों फॉर्मूला में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप इनको हल्के में लोगे तो आप बहुत हल्के हो जाओगे, ठीक है, नंबर भी आपके हल्के में ही आएंगे। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से देखते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में तो मैं नहीं जा रहा हूँ चैप्टर के, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जनाब, तो ठीक है, तो इनको फॉलो करना अच्छे से, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि मान लो राम श्याम और मुकेश किसी काम को ना 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, मान लो सिर्फ दो व्यक्ति हो, ए एंड बी हो, तो इनको अगर दोनों मिलकर निकालना हो ना, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी, और ए बी एंड सी का दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1 बटा में 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी, 1 बाई सी, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, 1 बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, तो यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, तो हम सेकंड फॉर्मूले की तरफ साथ जाएंगे, तो हमारा होगा 1 बटा में 1 बटा 12 1 बटा 15 1 बटा 20, अब मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 12 15 और 20 का 60, तो 12 5 60 15 6 60 20 3 60, मतलब 1 इंटू 60 बता में क्या हो जाएगा, 5 4 9 12, ये हो जाएगा हमारा, 5 डे में तीनों मिलके इस काम को निपटा रहे होंगे, ओके ना। सिर्फ दो लोग रहते तो ये फॉर्मूला लगा लेते, ए इंटू बी बटा में प्लस बी, ओके, कोई डाउट नहीं सर। जैसे सवाल देखो, कह रहा है कि राम किसी काम को 10 दिन में करेगा, श्याम उसको 15 दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, वही काम करो, ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी, 10 इंटू 15 10 प्लस 15, मतलब 10 इंटू 15 कर लो, और ये हमारा 25 हो गया, 5 25 5 2 10 और ये 5 3 15, मतलब 6 डेज के अंदर ये और भी मिलकर उस काम को निपटा रहे होंगे। बेसिक सा क्वेश्चन था भाई, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया, जब ए का अलग, राम का अलग दे रखा है, श्याम का अलग दे रखा है, तब हमने ये सिंपल सा ए प्लस बी नीचे किया, लेकिन क्वेश्चन में राम और श्याम का मिक्स करके दे देगा कि 6 दिन में कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे निकाला, राम और श्याम मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, और राम उस काम को 10 दिन में कर सकता है, जैसे राम और श्याम 6 दिन में करेंगे, राम उसको 10 दिन में करेगा, और श्याम का पूछ रहा है आपको, मान लो नहीं पता है, तो इसका भी कुछ उसी टाइप का फॉर्मूला होगा, ए इंटू बी बटा में ए माइनस बी, अब मेरे को ना नीचे बड़े में से छोटे को घटा देना, जब दोनों का जोड़ के दे देगा एक साथ तब ऐसा करेंगे, मतलब 10 इंटू 6 और 10 माइनस 6। अब यहाँ पे बोलोगे सर ए आपने 6 को क्यों नहीं माना, जो बड़ा वैल्यू होगा उसी को ए मान लेना, हमारा क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन हमारा आसान कर देगा, रीजन क्योंकि डे को अपने को माइनस में नहीं लाना होता, कभी भी दिन माइनस में नहीं होता है, 60 बटा में 4 हो जाएगा, तो 15 दिन हो जाएगा हमारा, देखो उसी क्वेश्चन को हमने चेक भी कर लिया, यहाँ पे भी श्याम 15 दिन में कर रहे हैं, वहां पे भी श्याम देखो 15 दिन में कर रहा था, उसी क्वेश्चन को हमने घुमा के भी दे दिया आपसे, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए,
ठीक है चलो। अगर मान लो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना कि अगर तीन लोग होंगे ए बी सी तो 1/A 1/B 1/C इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब वो तीनों का अलग अलग डेट रहेगा तब मतलब ए अलग दिन 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, लेकिन दो दो का पेयर करके दे देगा तो क्या करेंगे? जैसे ए और बी मान लो दे रखा है 6 दिन में, अलग अलग नहीं दिया, ए और बी का दिया, बी और सी का दे रखा है 10 दिन में, ए और सी का दे रखा है 12 दिन में, तो अब क्या है ना ए बी सी मिलके कितने दिन में करेंगे? तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब वो अब नहीं कर सकते ना 1/A 1/A 1/B 1+C, तो ऐसा काम अब नहीं करेंगे। अब पता है क्या करेंगे, अब जब दो दो का पेयर दे रखा है ना तो ऊपर में एक ना करके दो कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला दिन क्या है 2/1/6, दूसरा दिन क्या है 1/10, तीसरा दिन क्या है 12। अब निकाल लो 2/2 में क्या हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 6 10 12 का, तो 6 दैया और 6 और 12 5 60, मतलब 2 × 60 तो 6 5 11 मतलब 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 7 21 3 9 6 मतलब कुल मिला के हमारा आंसर आ गया 40/7 days। तो तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे होंगे 40/7 days के अंदर, ठीक है, मतलब 35 35/5/7। ओके मैं ये क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर इसको चेंज करना हो मेरे को तो 5/1/7 कैसे करोगे, 5/5/7 days हो जाएगा। अगर इसको मेरे को इसमें कन्वर्ट करना होगा 40/7 को, अगर मेरे को अपॉन में अगर चेंज करना होगा फ्रैक्शन में, तो मैं इस तरीके से कर सकता था, या तो 40 days ऑप्शन में रहेगा या फिर 5/5/7 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आंसर हो सकता है, बट फिलहाल आप इतने तक जाओ, इसको अपॉन में चेंज करना सीख जाओ, हेल्पफुल होगा। लेकिन मान लेते हैं ना यहाँ पे हमसे ये ना पूछे कि ABC का बताओ, खाली किसी एक का पूछ ले तो हम क्या करेंगे? ठीक है, मान लो हमको A+B दे रखेगा, B+C दे रखेगा, A+C दे रखेगा, बोलेगा किसी एक का बता दो, बोलेगा ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, सी कितने दिन में खत्म करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमसे पूछा है ABC तीनों मिलके बताओ, लेकिन समटाइम्स ऐसे भी पूछ सकता है, दे रखा है क्वेश्चन में ना कि ए और बी क्वेश्चन को सॉरी काम को 12 दिन में करेंगे, बी और सी मान लो 15 दिन में करेंगे, और सी और ए मिलकर 20 दिन में खत्म करेंगे, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? जब ऐसा सवाल देगा ना तो हम अभी भी वही काम करेंगे, पता है क्या, 2/2। अब देखो सी का पूछा है तो सी जिसके अंदर नहीं रहेगा, A+B के अंदर सी नहीं है, उसको घटा दो, ठीक है, A/B + A/ सॉरी A 1/A + 1/B - 1/C, तो जिसको पूछ रहा है सी को, और सी जिसके अंदर नहीं है उसको घटा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ पे यू कर लो, इसको ABC ना लिख के D1 D2 कर देता हूँ, DDND कर लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर सी नहीं रहेगा उसको घटाना, तो A+B के अंदर सी नहीं है ना तो मैं A+B को घटा दूंगा, ठीक है, जैसे मैं कह दूंगा 2/B+C + 1/C + A - A+B, समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि जब बाद में देखोगे समझ में आ जाएगा। मैंने A+B को क्यों घटाया, बिकॉज A+B के अंदर सी नहीं है, तो जिसके अंदर मान लो सी का पूछा है तो जिसके अंदर सी नहीं है उसको घटाओ, अगर ए का पूछता है तो क्या करते हम B+C को घटाते, बिकॉज जिसका पूछा है जिसमें वो नहीं रहेगा उसी को घटाएंगे, ए का पूछता तो B+C के अंदर ए नहीं है तो मैं B15 को घटा देता, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। B+C की वैल्यू कितनी है भाई, क्या है 15 दिन, और C+A की वैल्यू है 20 और A+B की वैल्यू है 12, तो ये 12 5 60, इनका भी एलसीएम 60 ही हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 15 6 60, 20 3 60, 12 5 60, 2/2 × 60, 4 3 7 और 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, मतलब सी अकेले इस काम को 60 days के अंदर कर रहा होगा, ठीक है, सी कितने दिन में करेगा 60 दिन के अंदर इस काम को निपटाएगा। तो सब फार्मूला लगभग लगभग एक जैसा ही है, जहाँ से सवाल बेसिक तरीके से पूछी जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और एक टाइम एंड वर्क का आपका एक टॉपिक और है ना, जैसे मान लो ए किसी काम का पूरा काम नहीं रखेगा कि ए 12 दिन में किसी काम को करेगा, वैसा नहीं देगा, अब घुमा के दे देगा, ए किसी काम को ना 2/5 हिस्सा उसका 12 दिन में करेगा, ठीक है, ऐसे दे देगा, ए किसी काम का 2/5 हिस्सा 12 दिन में करेगा, और बी उस काम का 3/4 हिस्सा 18 दिन में करेगा, ठीक है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो गाइज ए किसी काम का 2/5 हिस्सा कह रहा है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, 2/5 हिस्सा जो है ना 2/5 पार्ट को कर रहा है 12 days में, तो ए कंप्लीट कितने दिन में करेगा भाई, तो उसको उल्टा कर दो, 2/5 को उल्टा कर दो, 5/2 कर दो, और जो डेज दे रखा है उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 6 12, मतलब ए कंप्लीट काम 30 दिन में करेगा। मैंने क्या बोला, 2/5 जो हिस्सा दे रखेगा उसको उल्टा कर देना, और जो डेज दे रखेगा उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ए का काम निकल जाएगा।
बी का कैसे निकालोगे, बी क्या कर रहा है, 3/4 भाग को ना 18 दिन में कर रहा है, तो 4/3 से उल्टा करके 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 = 18, मतलब बी पूरा काम 24 दिन में करेगा। तो मतलब यहाँ पे ए 30 दिन में करेगा, बी 24 दिन में करेगा, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो ए इंटू बी बटा ए प्लस बी का रूल लगा लो, 30 × 24 और 30 + 24 मतलब 30 × 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 54। ओके, अब वो 3 से कटेगा तो 3 × 3 = 24 और यहाँ से 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6 या फिर 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो 8 × 5 = 40 बटा में 3 डेज इसका भी आ रहा होगा। ठीक है, चलो कटा के देख लो, उम्मीद है आपका आंसर आ रहा होगा इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी ये देना बटा में दे, देखिए मान लो इतना भाग इतने दिन में करेगा तो बटा को उल्टा में करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और आपका अलग अलग दिन का संख्या निकल जाएगा, तो दोनों का मिला के आप निकाल लो। अब एक सवाल मान लो इस तरीके से देगा, मान लो बिट्टू 20 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, बबलू उसी को 15 दिन में पूरा कर लेगा, बिट्टू 5 दिन काम करके छोड़ देता है, तो शेष काम जो है ना, शेष काम को पूरा करने में बबलू कितने दिन लगाएगा। अब यहाँ पे समझो मैं जो कहना चाहता हूँ, दो टाइप के ऐसे सवाल होते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, एक ही सिंपल सा फंडा होता है। देखो क्या करना होता है सवाल को बनाने के लिए, देखो जब भी ऐसा सवाल है ना कि कोई इंसान कुछ दिन काम करके भाग जाए, तो ध्यान से सुनना, अगर कोई इंसान कुछ दिन काम करके भाग जाता है ना, तो ये देखो कि बिट्टू 20 दिन के अंदर काम को खत्म कर सकता था, और बबलू को बीए लिखता हूँ मैं, बबलू उसको 15 दिन तक कर सकता था, और भाग रहा है कौन, बिट्टू 5 दिन, तो एक काम था हमारा, एक काम में से ना बिट्टू कुछ दिन करके भाग गया, 5 दिन करके भाग गया, कितने दिन में वो कर सकता था, 20 दिन में कर सकता था, ऐसे लिखो। और एंड तक कौन काम कर रहा है भाई, बबलू, तो बबलू जितने दिन तक काम कर सकता था, मतलब 15 दिन में पूरा कर सकता था, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बाकी का बचा हुआ काम बबलू उतने दिन में पूरा कर लेगा, मतलब 1/1 क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा इंटू 15। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 × 15, मतलब हो जाएगा 45/4। अब बोलोगे इसका मतलब क्या हो गया 45/4, इसका क्या मतलब हो गया 45/4, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको अब और सॉल्व करो, या तो आप इसको कटाओगे तो आपको मिलेगा 11.25, ठीक है, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे मैं अगर डिवाइड कर दूं तो वो क्या मिलेगा, 11/44 बार में जाएगा ये, और ये कह सकते हो 11/, मतलब ये एक का मतलब क्या हो गया, इसको आप ना घंटे में चेंज कर दो और कुछ नहीं, जैसे एक दिन में 24 घंटा होता है ना, तो आप ये लिख सकते हो ना 11/1/4 लिख सकते हैं, तो इस 4 को मेरे को क्या करना होगा ना, तो मतलब 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 6 = 24, मतलब 11 दिन 6 घंटे। ओके, मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ, उतना नहीं करना आपको, ठीक है, वैसे तो मैंने समझा दिया, 11 दिन डेज 6 आवर्स आ रहे हैं, इसका एक और तरीका है, 11.25 का मतलब क्या हो गया, 11 दिन और 2 मतलब और भी एक दिन का चौथा हिस्सा, 2.5 का मतलब क्या, सॉरी 0.25 का मतलब क्या हो गया, एक दिन का चौथा हिस्सा, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो चौथा हिस्सा क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दो 6 घंटे, तो 11 डेज और 6 आवर्स को पूरे लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। अगर कब इसको ऐसा करेंगे, जब कोई इंसान मेरे को पता हो कि वो कितने दिन काम करके छोड़ रहा है, तब, यहाँ पे मेरा वो इंसान 5 दिन काम करके छोड़ रहा था, तब मैंने ये रूल फॉलो किया। अगर मेरे को पता ना हो कि वो कितने दिन काम करके छोड़ रहा हो, तो दूसरा रूल फॉलो करेंगे, जैसे ए और बी किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, ए कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, बी कितने दिन में 20 दिन में कर सकते थे, लेकिन दोनों काम मिलकर आराम करते हैं ना, तो काम समाप्ति से एक दिन पहले काम छोड़ रहा है बी, मतलब बी एक दिन पहले छोड़ रहा है, बी एक दिन काम करके नहीं छोड़ रहा, काम जब खत्म होने वाला था ना उसके एक दिन पहले छोड़ रहा है, इसमें मेरे को ये नहीं पता कि बी ने कितना दिन काम किया, यहाँ पर मेरे को पता था कि बंटी ने या फिर बिट्टू ने जो भी था वो 5 दिन करके छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे को नहीं पता कि बी कितने दिन कर रहा है, खाली जितने दिन में खत्म हो सकता था उसका एक दिन काम कर रहा है वो, तो मान लेते ना कि ए ने क्या किया भाई पूरा, या फिर टोटल काम खत्म कितने दिन में हुआ, एक्स डेज में खत्म हुआ, ठीक है, तो ए तो शुरू से एंड तक रहा था, तो ए ने एक्स डेज तक काम किया जो कि 15 दिन में खत्म कर सकता था, प्लस अब बी ने एक्स में से एक दिन कम काम किया, तो मेरे को एक्स में से एक घटा दो और वो जितने दिन तक काम कर मतलब खत्म कर सकता था वो लिख दो 20, और टोटल काम कितना हुआ है, एक काम हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/15 का मतलब ए ने 1/15 हिस्सा काम किया, बी ने 1-1/20 हिस्सा काम किया, दोनों मिलके एक काम को खत्म करते हैं,
ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, 20 या 60, ये हमारा एक हो जाएगा। ये हमारा 7x बराबर क्या हो जाएगा, 60 + 3, मतलब x बराबर हो गया 63/7, मतलब 9 days। अब क्या मैं 9 को आंसर कर दूं? ठीक है, तो कह रहा है कि एक दिन भी पहले काम छोड़े खत्म हो जाता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो सही है, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, टोटल वर्क 9 days में खत्म हुआ। लेकिन ये पूछता ना कि बी ने कितने दिन तक किया, बी ने कितने दिन तक किया, तो एक दिन कम किया था ना, तो 9 में से 1 घटा देते, तो बी ने 8 days तक काम खत्म किया। तो एग्जाम में इसको थोड़ा सा ना आपको गलती करवाने के लिए ना, ये नहीं पूछेगा कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, वो तो सबको ही निकाल सकते हैं अब 9 दिन, और बहुत सारे बच्चे जोश में 9 दिन आंसर कर देंगे। हमारा आंसर है भी यही एक्चुअली, अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 9 है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना, बताओ बी कितने दिन में काम खत्म करता है, बी ने कितने दिन तक काम किया, तो एक दिन कम काम किया मतलब वो 9 दिन तक काम किया, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम बना सकते थे। ठीक है चलो, लेकिन आपसे बी का पूछा नहीं है, तो मैं बी के बारे में एडवांस बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उतना ही आंसर कर दूं, बट मैंने आपको हिंट दे दिया कि कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, नो डाउट। अब एक सवाल मैं दे रहा हूँ कि ए और बी ना मिलकर किसी काम को 3 दिन में खत्म करते हैं, यदि एक निश्चित समय में ए बी से 3 गुना अधिक काम करता है, तो बताओ काम खत्म करने में बी ए अकेला कितना दिन मिलेगा? जब भी ऐसा देगा ना कि उसके एफिशिएंसी पे काम देगा कि ए इतने गुना है, 4 गुना है, तो आपको इनका रेशियो निकाल लो, ए रेशियो बी कितना होगा। अब ए कह रहा है बी से 3 गुना है, तो 3:1 हो जाएगा, 4 गुना होता तो 4:1 हो जाता, 5 गुना रहता तो 5:1 हो जाता। अब कौन ज्यादा गुना है, ए ज्यादा गुना था इसलिए ए की जगह 3 किया और बी की जगह 1 कर दिया, तो ये इनकी एफिशिएंसी है। अब मैंने बहुत सारे टीचर ने इसको डेज में कन्वर्ट कराने लगते हैं, मैं बोलता हूँ डेज में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एफिशिएंसी के बेस पे सवाल बना दूंगा। ठीक है, अब बोल रहा है ए और बी मिलकर काम करते तो 3 दिन में करते। ठीक है, तो मैंने इसका फॉर्मूला पढ़ाया है, M1 × D1 = M2 × D2। तो गाइस यहाँ पे ना मैं यहाँ पे D1 नहीं कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा अब इसको कहानी में खत्म करो। अब मैं अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं कहता हूँ ना Efficiency 1 × D1 = Efficiency 2 × D2। ये उनकी एफिशिएंसी है, दक्षता है कि वो 3 गुना तेज है या फिर फास्ट है, उसकी दक्षता है। तो मेरा अब क्या है ना कि ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम खत्म करे भाई, 3 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा भाई, ये चीज बताओ। तो भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3+1 है, तो 3+1 एफिशिएंसी के साथ वो 3 दिन में खत्म कर रहे, तो ए की एफिशिएंसी अकेले कितनी है भाई, 3 दिन में, 3 एफिशिएंसी है, वो एक्स डेज में खत्म करेगा, मतलब वो उस काम को 4 दिन में ए अकेले करता तो खत्म कर लेता। तो मैंने एफिशिएंसी के बेस पे ही सवाल को बना लिया, मेरे हिसाब से ना इसमें कुछ वो चीज नहीं है कि चलो हाँ इसमें लफड़ा करते हैं, थोड़ा सा वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब डेज में कन्वर्ट करो, खाली ये चीज समझना कि उनकी एफिशिएंसी, जिसका एफिशिएंसी के बेस पे ही बना लोगे आप। ठीक है चलो, एक सवाल और करा देता हूँ, समझ में आ जाएगी। कह रहा है हर बंस लाल, मतलब हर बंस लाल ना 24 दिन में काम को खत्म कर सकता था, और कह रहा है बंसी लाल हर बंस लाल की तुलना में 2 गुना तेज है। अब बोल रहा है हर बंस और बंसी लाल की जो रेशियो निकालोगे, तो बंसी लाल 2 गुना तेज है, 1:2 की एफिशिएंसी है, तो 2 मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो देखो हर बंस लाल अकेले करेगा ना, तो कितने दिन में काम खत्म करे, 24 दिन में, तो हर बंस और बंसी दोनों मिलकर एक्स डेज में खत्म करेंगे। तो भाई हर बंस की एफिशिएंसी क्या है, 1 है, तो 1 एफिशिएंसी के साथ कोई इंसान 24 दिन में कर सकता है, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो 3 एफिशिएंसी के साथ एक्स डेज में खत्म होगा, तो 3 × 8 = 24, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 8 डेज। तो भाई यहाँ पे मेरे को एफिशिएंसी और डेज में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा क्रिएट, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एंड तक, साल साल भर पढ़ने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि कब किसको कन्वर्ट करना है। मैंने नया चीज ला दिया यहाँ पे, कुछ कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्टेड की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन की यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी के बेस पे निकाल लेना है। ठीक है आगे देखो, अब उसी सवाल का है, आप बना लोगे इसको अगर आप समझ गए होगे, तो कह रहा है ए बी का 3 गुना काम कर सकता है। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी क्या है भाई, 3:1 हो जाएगा, वह किसी काम को कह रहा ना कि बी की अपेक्षा 40 दिन कम में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। इस सवाल को समझोगे तो बहुत ज्यादा चीज समझ में आ जाएगा आपको। अब कह रहा है ए जो है ना बी की अपेक्षा 40 दिन कम में कर काम खत्म कर देगा, जब यहाँ पे एफिशिएंसी और डेज दोनों की रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि अब मेरे को डेज का रेशियो निकालना पड़ेगा, घबराओ नहीं, ठीक है मैं आपके साथ हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं डेज वेज पे भरोसा नहीं करता, मैं एफिशिएंसी पे भरोसा करता हूँ। अब दे रहा है ना कि ए जो है ना बी की अपेक्षा 40 दिन कम में खत्म कर लेगा, भाई ये बताओ मेरे को, ये मेरे को दे रखा है
कि मान लो इनके बीच की जो डिफरेंस है ना, कि चलो ठीक है, इनकी एफिशिएंसी जो है थ्री, मतलब ए और बी की मैं अगर निकालू ना, कि ए कितना फास्टर है, इन दोनों के बीच का गैप है 40 डेज का, मतलब कहना है कि ए बी की अपेक्षा 40 दिन कम में कर लेगा, तो 40 डेज का आपको गैप आ रहा है। ओके, तो वैसे तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते ना 1:3 में डेज में, तो हमको ज़्यादा क्लियर समझ में आता, लेकिन बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप मत करो उतना, कोई ज़रूरत ही नहीं है उतना करने की। ओके, समझ के क्या करोगे, आंसर सही आना चाहिए। बोलोगे सर समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे सही आएगा, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, सही चीज़ है ये, बिल्कुल भी 100% है। बहुत प्रैक्टिस के बाद ये सभी चीज़ें को सीखा हूँ मैं, तो बिल्कुल गलत नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो ए और बी के मतलब काम का जो है ना, डेज के बीच का गैप जो है 40 डेज का दे रहा है, और उनकी एफिशिएंसी के बीच का गैप कितना है बताओ, 3x में से 1x घटाओगे तो विल बी 2। तो 2 मान लो यहाँ पे उतना नहीं करना, आप यहीं से समझ लो, मैं आपको समझाता हूँ जो समझा रहा हूँ। इनके बीच का गैप कितना है, 2 का है, तो 2 का गैप है तो जिसकी वैल्यू 40 है, तो मतलब 2 के गैप है ना, एफिशिएंसी के बीच में 2 का गैप है, तो डेज की गैप कितनी है, 40 डेज। तो एक के लिए क्या होगा, 40/2 मतलब 20 डेज का रहेगा, मतलब एक इंसान अगर 20 दिन में करेगा तो एक इंसान 60 दिन में करेगा। ओके, तो एक इंसान 20 दिन में करेगा तो एक इंसान 60 दिन में करेगा, कैसे समझ में आ गया भाई, इनकी एफिशिएंसी समझ में आ रहा है, मतलब एक पे अगर मैं लेके चलूंगा तो अगर इसकी एफिशिएंसी एक है और इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो एक एफिशिएंसी लेके चल रहा हूँ तो 3 20 की गैप मेरे को मिल रही है। तो ए मान लो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 60 दिन में करेगा, क्यों कहोगे सर, ए तो बी ना 20 दिन में करेगा। भाई देखो, अगर ए ज्यादा फास्ट काम कर रहा है तो ऑब्वियस चीज है वो कम दिन में काम को खत्म करेगा, और बी स्लो काम कर रहा है तो वो ज्यादा दिन लेगा, इसका मतलब एक इंसान 20 दिन में काम को खत्म करेगा और एक 60 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, तो 20 × 60/20 +60, तो 20 × 60/ कितना हो जाएगा, 80। तो ये हो जाएगा 20 × 80 और ये 15 डेज के अंदर दोनों मिलकर काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा समझोगे आप तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ इशू वाला चीज नहीं है। आगे देखो कह रहे हैं, 4 चटाई बुनकर 4 दिन में 4 चटाई को बना सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस दर से 8 चटाई बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पता है क्या, m1 × d1/w1 = m2 × d2/w2। इसका मतलब क्या हुआ, 4 चटाई बनाने वाले मतलब 4 आदमी है, 4 दिन ले रहे हैं और चाई चार चार चटाई बना रहे हैं, तो वर्क को नीचे रखोगे, तो दूसरा क्या ना, 8 चटाई बुनकर 8 आदमी 8 दिन में W2 मतलब इतने चटाई बनाएंगे, तो 8 ही इसका आंसर कर देना, क्या सही है हमारे लिए, नहीं। कह देंगे ना 4 आदमी 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं, तो 8 आदमी 8 दिन में 8 को चटाई बना देंगे, कहना गलत है भाई, ये बिल्कुल भी गलत है, ये 4 × 8 कट जाएगा, ये 4 × 8 कट जाएगा, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे लिए, 4 × 2 × 2 मतलब 16 चटाई बना देंगे, वो कितने मैट्स बनाएंगे, वो 16 मैट्स को बना देंगे, बुनकर रेडी कर देंगे। ओके, आगे देखो, अब यही चीज करना है कि 3 पुरुष, ठीक है, 3 मेल या 3 फीमेल या 3 बॉयज एक काम को ना 47 डेज के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है, जब भी या देगा, ओके, इंग्लिश में और देगा, तो उनको हम प्लस नहीं करेंगे, ओके ना, उनको क्या करेंगे भाई, हम जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते बराबर करते जाएंगे बराबर करते जाएंगे, और हिंदी में और देगा और इंग्लिश में एंड देगा, देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अदरवाइज जब भी इंग्लिश हिंदी में या कहेगा तो हम बराबर कर देंगे, मतलब 3 आदमी बराबर है, 3 और 4 फीमेल के, ठीक है रुको, मैंने 3 मेल जो बराबर है 4 फीमेल के, और वो सभी बराबर है 5 बॉय के, जो अगर कोई भी एक लेके आ जाओ ग्रुप में ना, या तो 3 आदमी का ग्रुप ले लो, वो भी एक काम को 47 दिन में करेंगे, या फिर अगर फीमेल ले रहे हो तो 4 फीमेल का ग्रुप ले लो, वो 47 दिन में काम खत्म करेंगे, या फिर अगर बॉयज को ले रहे हो तो 5 बॉयज को ले लो बच्चों को, वो 47 डेज में काम खत्म करेंगे, तो एक पुरुष एक महिला और एक लड़के कितने दिन में खत्म करेंगे, यहाँ पे देखो और कह रहा है, तो इनको हम ऐड करेंगे, तो कोई एक का रिलेशन ले सकते हैं, तो मान लो 3 मेन किसी काम को 47 डेज में खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि बताओ, एक मेल एक फीमेल, ठीक है, एंड एक बॉय, अब यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो वो एक्स डेज में काम को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो कहोगे सर यहाँ पे आप रेशियो तो बता दो पहले मेल फीमेल का, तो मैंने बोला ना 3 मेल बराबर है 4 फीमेल बराबर है 5 बॉय के, तो मेल फीमेल और बॉय का रेशियो क्या होगा, तो ये चीजें आपने रेशियो में पढ़ी होगी, उसको उल्टा कर देते हैं, 1/3 1/4 1/5, ये क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाले के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो 5 × 20, सेकेंड वाले 1 के साथ अपने नीचे वाले को छोड़ के बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर दो 15, थर्ड वाले के साथ अपने नीचे वाले को छोड़ के बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर दो 12, तो इनका मेल फीमेल मेल मेल फीमेल
फीमेल एंड बॉय का रेशियो ये आ गया। तो मेल जहाँ होगा 20 रखेंगे, फीमेल जहाँ होगा 15 रखेंगे, बॉय जहाँ होगा 12 रखेंगे। तो यहाँ पे रख दो ना, तीन मेल है तो 3 × 20 कर लो, × 47। यहाँ पे एक फीमेल, एक एक मेल, फीमेल एक एक बॉय, तो तीनों को ऐड कर दो, 20, 15, 12 को, और इंटू एक्स डेज कर लो, ये हो जाएगा 60 × 47, और ये कितना हो जाएगा 7, 4, 47 × x, तो ये 47 47 कट जाएगा, तो x बराबर 60 डेज आ गया, हमारा आंसर हो गया। ओके चलो इजी से था, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि राम और श्याम किसी काम को ना क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर ना 3500 35,000 रुपये लेते हैं, तो ठीक है, तो बताओ फिर उनका मजदूरी कितने कितने बटेगा। मान लो तो आप और कोई इंसान किसी काम को करने के लिए 35,000 रुपये ले रहे हो, तो काम खत्म करने के बाद कितना दिन में कंप्लीट करोगे, कितना कितना रुपये बांटोगे, तो वो डिपेंड करता है ना इनके वो पे, क्या कहते हैं, राम और श्याम का डेज का रेशियो क्या है, 15:20। तो गाइज यहाँ पे सोच रहे हो ना कि जिसने जितना दिन में काम कर सकता है उस हिसाब से, तो नहीं, हम कौन एक काम दिया जा रहा है आपको ठीका पे ना, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, तो आप उसको 50 दिन में करो चाहे 60 दिन में करो मैटर नहीं करता, आपकी एफिशिएंसी क्या है उस पे दे रहा। मान लो आप एक ही घर बनाते हो 60 दिन में, एक बंदा जाके एक ही घर को 20 दिन में बना दे रहा है, तो कोई किसको ज़्यादा पैसा देगा, 20 दिन वाला को ज़्यादा पैसा देगा ना, क्योंकि वो अच्छा है, एफिशिएंट है, कम टाइम के अंदर उतना काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये डेज का रेशियो को अब मेरे को एफिशिएंसी में बदलने की जरूरत है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, एफिशिएंसी के लिए उल्टा कर देते हैं, दो लोग रहेंगे तब तो हो जाएगा 5 × 20 5 × 15, राम और श्याम का एफिशिएंसी आ गया। अब एफिशिएंसी के बेसिस पे पैसा बांट दो, तो काम समाप्ति के बाद दोनों को क्या मिलेगा, तो राम को क्या मिलेगा, तो राम का रेशियो बटा दोनों का रेशियो को ऐड कर दो, 4 × 3 7 हो गया, मल्टीप्लाई 3500 7 × 5 35, ठीक है, तो राम को मिल गया 20,000, और एक दूसरा इंसान है कितना है, श्याम को कितना मिलेगा, तो 35,000 में से घटा दो उसको 15,000 मिल जाएगा, ठीक है, आराम से ऐसे निकाल सकते थे आप। आगे देखते हो, आगे कह रहा है अगर ऑल्टरनेट डे पर दिया रहेगा, तो मान लो एक एक दिन के गैप पे अगर कोई काम करा जाएगा, तो मान लो ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए मतलब ए काम को स्टार्ट करता है तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कहोगे सर 30 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, वही हो जाता है, 30 ही हो जाता है, ठीक है, मतलब आपके पास कितना काम है, 30 काम है, तो 30 को ना अब क्या करेंगे ना, ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई, तो 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा मेरे को, और बी को क्या करोगे, 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, मतलब ए एक दिन में एक काम करेगा, बी अगले दिन 3 काम करेगा, यू समझ लो आप, ठीक है, बी एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 1 काम करता है, और हमारे पास टोटल काम कितना है जो हमारा एलसीएम है वो, तो मतलब 30 काम है, तो मेरे को कितना दिन लगेगा, तो भाई एक दिन मतलब ए करेगा और एक दिन बी करेगा, तो मतलब 2 डेज के अंदर मेरा कितना काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है, ठीक है, तो मैं 4 को क्या करूंगा, जो हमारा काम है उससे मैं डिवाइड करूंगा, तो 4 × 7 = 28, मेरा भी 2 शेष बच रहा है, मतलब ये 7 क्या हो गया, 7 को ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 दिन में हमारा हो रहा था ना, ये 2-2 का पेयर था ना हमारा, तो 7 × 2 मतलब कुल मिला के 14 दिन हम काम करा रहे हैं, स्टिल हमारे पास 2 काम बचा हुआ है, ठीक है, तो बारी है किसकी, ए की, बात समझ में आ रही है, अब किसकी बारी है भाई, ए की, तो हमारे पास एक दिन और एक काम कर देगा, ए कर देगा, उसके बावजूद भी मान लो ए एक काम कर देगा, तो 1 काम और बचा हुआ है हमारे पास, तो 1 काम बचा हुआ है, ए एक काम करेगा बट वो एक दिन में 3 काम कर सकता था, तो कुल काम कितने दिन में खत्म होगा, 15/1/3 दिन में, ये इसका तरीका है, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम में वैकल्पिक ऑल्टरनेट डेज पे सवाल कम दिए जाते हैं ना के बराबर, बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट आएगा ना तब ये सवाल देंगे, अदरवाइज आप में नहीं देंगे। फिर भी एक सवाल करो, ए मान लो एक काम को 40 दिन में कर सकता है, बी 50 दिन में कर सकता है, तो मतलब ए से स्टार्ट करेंगे काम, तो काम कितने दिन में खत्म होगा, तो इनका एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, 200 8 × 32 5 × 20, ठीक है 200 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कटेगा 5 बार में, और ये इससे कटेगा 4 बार में, ठीक है, ये हमारा 200 वर्क टोटल है हमारे पास, तो ए एक दिन 5 काम करता है, बी अगले दिन 4 काम करता है, मतलब 2 डेज के अंदर कितना काम खत्म हो रहा है, 9 काम, तो मैं 9 को ना 200 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 × 18 स्टिल वी हैव 2 डेज 2 काम बचा हुआ है, मतलब 22 × 2 दो गुना करेंगे ना, क्योंकि 2 दिन का काम था वो, ठीक है, और प्लस में 2 काम मेरा बचा हुआ है अभी,
जो कि एक काम करेगा, लेकिन वो एक दिन में 5 काम करता था, तो हमारा काम का कितना हिस्सा करेगा वो, मतलब कितना दिन लगेगा उसको। जैसे एक दिन में वो 5 काम कर सकता है, लेकिन 2 ही काम बचा है, तो पूरा दिन तो लगा ही नहीं, पूरा दिन तो लगाएगा नहीं, वो 2/5 ही दिन लगाएगा। ठीक है, तो 44/2/5 डेज लगेगा उसको। तो ये बेसिक जानकारी पे आधारित सवाल था, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ इधर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आधारित कुछ सवाल। तो आपको बेसिक सी चीज मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले कोई भी चीज अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, स्पीड दिया रहेगा अगर, तो उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप 5/18 से ना चेंज करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, तो वो किलोमीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर पहले से अगर वो चीज मीटर पर सेकंड में दे रखा है स्पीड आपका, तो मेरे को अगर वो क्या करना होगा, 18/5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, 90 मान लो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है अगर मेरे पास, तो उसको मीटर पर सेकंड में मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या होगा। तो 90 को मैं क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 × 5 = 90, मतलब ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लोगे। ओके, अब मैं आ जाता हूँ डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का रिलेशन बताता हूँ। तो गाइस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ये तो बेसिक सा हमारा फॉर्मूला है। दूरी बराबर क्या हो जाता है हमारा, चाल इंटू समय। ठीक है, इसी को हम यूं लिखते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब वहीं से अब निकल के आ जाता है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला मतलब यही ना, टी वाले को इधर भेज देंगे, फिर टी पूछेगा तो स्पीड को नीचे भेज देंगे, यहीं से ये सभी चीजें निकल के आती हैं। ओके, तो यहां से मेरे को कुछ वो नहीं है कि अलग अलग चीजों को बताऊं, हमारा इतना फॉर्मूला सफिशियंट है बेसिक चीजों के लिए। जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन दे देगा हमसे कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ना चलकर किसी पुल को 10 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या है। तो भाई जब भी कोई पुल को इंसान पार करेगा, कोई इंसान पार करेगा, कोई जानवर पार करेगा, तो पुल की लंबाई डिस्टेंस हो जाती है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई। ओके, तो पुल की लंबाई हो जाएगा, तो स्पीड हमारा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से सुनना, और हमारा ये मिनट में टाइम दे रखा है। तो ये गाइस किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मिनट में, या तो आप इसको घंटे में चेंज कर लो या फिर मीटर पर सेकंड में चेंज करो। अगर हम 12 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो हमको मिनट को भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो हम उतना ना करेंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 10 मिनट को ना हम घंटे में चेंज कर देंगे 60 से डिवाइड करके, तो 0-0 कट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो पुल की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर। बात सिंपल है, इसके अंदर कुछ जान था नहीं, बेसिक से जानकारी है। अब घंटा दिन में कितने घंटे को कैसे चेंज करते हैं, मिनट घंटे में चेंज करना नहीं आता है, तो फिर आप एग्जाम क्रैक करने के लायक फिलहाल आप रेडी नहीं हुए हो। मैं जो बोलता हूँ ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि बेसिक सी चीज़ है। अगर आपसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पूछा जाए, देखो एवरेज स्पीड बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट जनरली हमने स्पीड बराबर क्या पढ़ा है, डिस्टेंस बटा में टाइम पढ़ा है। तो डिस्टेंस ले लो, टोटल डिस्टेंस ले लेना, ठीक है, बटा में टोटल टाइम ले लेना आप, ये चीज आप जानोगे। अब डिस्टेंस का अलग अलग तरीका हो सकता है निकालने का, ओके ना, डिस्टेंस सॉरी टाइम निकालने का अलग अलग तरीका हो सकता है। सम टाइम देखो डिस्टेंस एवरेज स्पीड बराबर वो भी हो सकता है, अगर मान लो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये भी हमने पढ़ा ना, डिस्टेंस बटा में टाइम, और हमको टाइम दिया ही नहीं रहेगा, तो टाइम बराबर आपने क्या पढ़ा है, टाइम बराबर पढ़ा होगा डिस्टेंस बटा स्पीड। तो जब हमको टाइम नहीं दिया रहेगा, तो हम टाइम निकाल लेंगे डिस्टेंस और स्पीड के, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा डिस्टेंस और स्पीड दिया रहेगा, टाइम दिया ही नहीं रहेगा, तो फिर तो हम तो एवरेज स्पीड निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम को पता ही नहीं हमारा। तो टाइम निकालने का फूला फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस बटा में स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बराबर हम निकाल सकते हैं ना, टोटल एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटा में d1/speed1। तो पहले वाला हमारा टाइम निकल जाएगा, सेकेंड स्पीड सॉरी सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा, d2/s2, d3/s3, डॉट डॉट डॉट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये टाइम का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल वही लिख रहा हूँ, टोटल टाइम बटा टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। खैर चलो, आगे मैं सिखाऊंगा ये सभी चीज़ों को। जस्ट लाइक कि हमारे पास यहाँ पे दे रखी गई है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में, 30 किलोमीटर की दूरी 32 मिनट में, और 12 किलोमीटर की दूरी 18 मिनट में तय करता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा गाइज, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है, 24 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। अब कह रहा ना कि आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम दे रखा है 40 मिनट, ठीक है, फिर हमारा 32 मिनट और 18 मिनट। तो
तो क्या मैसेज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो कहोगे सर आपने बताया उस हिसाब से तो आ जाना चाहिए। अरे भाई हमारा ये चीज़ किलोमीटर में है, तो जब हमारा दूरी किलोमीटर में है तो हमारा टाइम तो घंटा में होना चाहिए, अगर दूरी मीटर मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, तो मिनट का कोई लेना देना नहीं हमारा, मिनट से तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मिनट को हमको क्या करेंगे, दूरी जब किलोमीटर में तो इसको घंटे में चेंज कर लेंगे 60 से डिवाइड कर करके, अब ये सारे घंटे में बदल गए। ओके तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 5 और 6 62 बटा में हमारा एलसीएम ये हो जाएगा 60, सबका एलसीएम है तो 40 32 और 18 को कर दो, कोई दिक्कत कोई डाउट कोई शक, ये हमारा 62 नहीं 66 है, ये 4 2 6 हो जाएगा 66 इंटू 60 हो गया। अब मैं अगर इनको ऐड करूँ तो ये हमारा 50 40 90 हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 30 3 9 3 2 6 अब ये 3 से कट जाएगा 22 बार में, तो मतलब 44 किलोमीटर पर आर हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे घंटा देखो मैं कितना शान से लिख सकता हूँ घंटा, अदरवाइज ये तो मिनट में थे तो मैंने घंटा में चेंज नहीं करता, तो मैं कन्फ्यूज रहता कि किलोमीटर के साथ मैं मिनट कैसे लिख दूँ, तो ये पाप लग जाता है मेरे को, ठीक है मैंने इसलिए किया। अब चलो कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, मेरे को ना टाइम यहाँ पे दिया था तो मैंने टाइम सिंपली लिख दिया, मेरे को जब टाइम ना दिया रहे तो मेरे को देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 24 किलोमीटर, फिर कहना कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और 30 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और 28 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो भाई एवरेज स्पीड बराबर हमारे सर ने पढ़ाया अभी हमको डिस्टेंस बटा में टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो भाई टाइम बराबर एक चीज और मैंने बोला था डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है, तो वही काम कर लो, मेरे को टाइम नहीं ने दिया है लेकिन टाइम निकालने का फॉर्मूला तो दिया है ना। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या है 24 30 और 28, तो पहला टाइम हमारा क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं ना, तो 24 बटा में 18 ये हमारा टाइम निकल गया। दूसरा क्या हो गया 30 बटा में 15 ये हमारा टाइम निकल गया। तीसरा क्या हो गया 28 बटा में 42 ये हमारा टाइम निकल गया। तो भाई सामने वाले किस तरीके से रिएक्ट करना है ना सामने वाले के साथ, वो चीज़ सीख जाओ आप। ये क्या हो जाएगा 8 4 12 3 2 5 2 6 और 1 7 1 8 82 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा क्या हो जाएगा 6 3 18 6 6 24 ये हो जाएगा 15 2 9 30 14 2 9 28 14 3 42 मतलब 4 बटा में 3 2 + 2/3 इनको हम सॉल्व करेंगे तो 82 बटा में क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा 4 6 एंड 2 हो जाएगा, मतलब 82 × 3/12 तो 3 6 12 हो जाएगा, और ये तो कटेगा नहीं ना हमारा हो जाएगा 4 से अगर कटाओगे तो ये हो जाएगा हमारा नहीं 4 से नहीं 2 से कटा दो 21 बटा में 2 इसका मतलब 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा स्पीड आ गया एवरेज स्पीड आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाना आपने, टाइम मेरे को नहीं पता था तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, तो पहला डिस्टेंस बटा पहला स्पीड, पहला दूसरा डिस्टेंस बटा दूसरा स्पीड, इस हिसाब से हमने टाइम निकाल लिया। और ओवरऑल मतलब बहुत सारे टीचर ने इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं कि ठीक है इसका एवरेज स्पीड ये हो जाएगा उसका स्पीड हो जाएगा, तो 50 रूल नहीं सीखने का बॉस, बेसिक कंसेप्ट पे हिट करो और क्वेश्चन को फोड़ दो बस, ठीक है इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। आगे चलते हम लोग, चलो फिर अब कुछ सिनेरियो में क्या होता है ना कि मेरे को डिस्टेंस गिवेन ही नहीं रहेगा। ओके जैसे एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है, और क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। अब खाली स्पीड 1 दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अब स्पीड 2 दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 3 दे रखा है कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई आपने तो कहा सर एवरेज स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, ठीक है, या फिर टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, ठीक है। तो अब हम क्या करें सर, ना तो डिस्टेंस दे रखा है ना तो टाइम दे रखा है, जो छोटा यही हो गया हमारे साथ। अरे भाई तुमको क्या कहा गया, 3 बराबर बराबर भाग में बांटने के लिए कहा सर है, तो मान लेते हैं ना कि आपको 3 बराबर भाग का मतलब क्या, एक भाग और एक भाग 3 भाग में हमने बांट दिया, तो डिस्टेंस तो हमसे कहा नहीं है, तो हमने मान लिया अपने से 3 को बराबर भाग, ठीक है, तो एक भाग 3 भाग बांट दिया। अब क्या होता है हमारा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड, तो भाई पहला डिस्टेंस हमारा 1 है, पहला टाइम स्पीड हमारा 18 है, तो 1 बटा 18 कर दिया ले आ गया ना हमारा टाइम का फॉर्मूला। दूसरा डिस्टेंस भी हमारा 1 ही है, तो 1 और हमारा दूसरा स्पीड क्या है 24, आ गया हमारा दूसरा का टाइम। तीसर का स्पीड भी 1 है और तीसर का स्पीड सॉरी पहले तीसर का डिस्टेंस भी 1 है और तीसर का टाइम भी हमारा 36 है, तो तीसरा टाइम हमारा आ गया, कितना मजेदार था। तो हमारा हो गया 3 बटा में 72, एलसीएम इनका 18 24 36 का 72 हो जाएगा, तो 18 चके 72 24 या 72 26 36 दूनी 72,
3 × 72 4 × 3 7 2 9 तो 9 × 8 72 तो ये 8 या 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है देखो अगर स्पीड भी दिया रहेगा तो हमने इस तरीके से फोड़ फाड़ के निकाल लिया। कोई दिक्कत है कोई तकलीफ है जीने में? नहीं ना, इस तरीके से निकाल लेना मजा आ जाएगा एग्जाम में। आगे देखते हैं सर, आगे दे रखेगा ना, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को दो बराबर भाग में बांट रहा है। अब इसका दो तरीका हो सकता है, जब भी दो बराबर भाग में बांटेगा तो मैं समझा दूंगा। देखो एक तो स्पीड वन क्या हमको दे रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। स्पीड टू हमको क्या दे रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो दो बराबर भाग में बांटना ना, जब बराबर भाग कहेगा तब मान लो पहला वन दूसरा वन, जब तभी ना बराबर होगा दोनों, तो क्या हो जाएगा 1/1 + 1 टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम 1/12 और 1/18। तो आ गया हमारा ना 2/18 12 का कितना होता है 36, तो 12 + 36 18 × 2 = 36 मतलब 2/36 / 5 तो ये 36 × 72 / 5 आ गया। तो 72/5 कर लो, यू कर लो इसको 14.4 भी कह सकते हो, या फिर सिर्फ दो दो स्पीड दिया रहेगा ना आपको ट्रिक होता है इसका। अगर आपको स्पीड वन एंड स्पीड टू दिया रहेगा और उसका एवरेज स्पीड पूछे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 / स्पीड 1 + स्पीड 2 मतलब क्या होता है 2 × 12 × 18 12 + 18 तो 2 × 12 × 18 कर लोगे और ये हमारा कितना हो जाएगा 30। इसको सॉल्व कर लो आपका आ जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 18 ये भी हो जाएगा 72/5। ठीक है इसको सॉल्व करोगे विल गेट हियर 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रिक की मदद से भी बना सकते हो। फॉर्मूला क्या बोला, 2 × स्पीड 1, मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रिक गंदी तरीके से मैंने लिखा है यहाँ, ठीक है गंदा लिख दिया यहाँ पर थोड़ा सा। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 / स्पीड 1 + स्पीड 2 ये फॉर्मूला हो जाता है जब दो स्पीड खाली दिया रहेगा तब। ओके चलो फिर आगे देखते हैं, कर लोगे आप लोग। चलो एक क्वेश्चन को देखो, चोर पुलिस के आधार पर ना कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो भी कर लो आप लोग एक दो बार। चोर पुलिस पे आधारित जब भी सवाल आपसे दे तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा कि एक चोर पुलिस को देखे ना 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और 10 मिनट के बाद पुलिस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, तो बताओ कितने समय बाद चोर पुलिस को पकड़ लेगा। तो कहीं देखो चोर पुलिस को जब पकड़ेगा तो कभी ऐसा नहीं होगा ना कि देखो चोर इधर भाग रहा है और पुलिस इधर भाग रहा है, ऐसा कभी होता है नहीं ना। हमेशा चोर अपने पीछे पीछे भगाता है पुलिस को, आज आ जा बेटा आज आ जा मेरे पीछे पीछे आ जा, ठीक है। बाद में पकड़ा जाने के बाद पुलिस वाले तोड़ देते हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करता है भाई, लड़की की तरह अपने पीछे पीछे भगाता है, ठीक है आ जा, कैसे बॉयफ्रेंड भागते हैं उसके पीछे पीछे, वैसे ही चोर भी होता है, चोर बन जाता है गर्लफ्रेंड, पुलिस बन जाते हैं बॉयफ्रेंड, ठीक है, और उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो सीन देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वहां पे स्पीड नहीं होता, वहां पे रिलेटिव स्पीड होता है। वहां पे क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड को माइनस कर देते हैं, स्पीड वन माइनस स्पीड टू हो जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक वो इधर जाता है और एक उसी के सामने से आ रहा है, तो उसका रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है, मतलब स्पीड वन प्लस स्पीड टू कर देते हैं। तो ये चीज आप में माइंड में रहेगा ना, जो चीज मैंने बोला नोट कर लो, वीडियो को पीछे करके नोट कर लो, बहुत भी चीज बोली मैंने। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि चोर कितने टाइम के बाद पकड़ा जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम पढ़ा है। ओके तो गाइज यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड की जगह क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, बिकॉज दो लोगों का अलग अलग स्पीड यहाँ पे दे रखा गया और टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या दे रखा है भाई, मेरे को नहीं पता भाई, पूछ रहा ना कि वो पीछा कर रहा है कितने समय के बाद, टाइम पूछ रहा है आपसे यहाँ पे आपसे। तो पहले डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, जब कुछ ना दे रखा है ना तो आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए यहाँ पे। वैसे यहाँ पे अगर मेरे को वो दिया रहे ना, क्या मैं कहता हूँ जैसे कि डिस्टेंस दिया रहे तो ये काफी आसान हो जाता है हमारे लिए बनाना, लेकिन अगर मेरे को डिस्टेंस दिया ही ना रहे तो क्या करेंगे, तो फिर एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। हमारे लिए पता है टाइम बराबर हो जाता है फर्स्ट स्पीड, पहले ना आप वो नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, पहले आप इसको नोट करो, क्वेश्चन के नीचे मत नोट करना, इसको अलग से ये फॉर्मूला की तरह नोट करना। जब भी दो लोग एक साथ भाग रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम करते हैं। अब मैं बताता हूँ चोर पुलिस पे आधारित जब भी सवाल दे तो पकड़ने में टाइम पता है बराबर क्या होता है, फर्स्ट स्पीड इनटू टाइम बटा में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। फर्स्ट स्पीड इनटू टाइम का मतलब हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है, इसका मतलब कि चोर ना 10 मिनट तक कितना भाग गया है, वो डिस्टेंस हमने लिख लिया, चोर 10 मिनट में कितना भाग चुका है। तो वो पहला स्पीड क्या था भाई उसका, 12 × 10 मिनट को घंटे में बदलोगे 60 कर लो डिवाइड करके,
रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करा लेंगे, तो ये 0 0 कट गया और ये 6 2 कट गया, मतलब 2 बटा में कितना हो जाएगा भाई ये 4, मतलब 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, 0.5 आवर्स का मतलब होता है हाफ आवर, आधा घंटा के बाद, मतलब 30 मिनट के बाद उसको पकड़ लेगा। मिनट में कहेगा तो 30 मिनट, घंटे में कहेगा तो आधा घंटा। ओके, तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में दिए जाते हैं। अब देखो ट्रेन से संबंधित कुछ बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर देखो ना पिछले सवाल में अगर डिस्टेंस दिया रहता है यहाँ पे, कितना डिस्टेंस है तो उसको कैसे बना लेते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, तो टाइम कैसे निकाल लेते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बता में रिलेटिव स्पीड करके निकाल लेते हैं। अगर डिस्टेंस मेरे को दिया रहता है खाली टाइम पूछता तो, ठीक है, जब टाइम नहीं डिस्टेंस नहीं रखा तो इस फॉर्मूले का यूज करना। आगे चलते हैं, एक ट्रेन है ना, ये यदि ट्रेन किसी खंबे खंबे या फिर बैठे हुए यात्री या किसी भवन को पार करेगा, मान लो कोई ट्रेन पार कर रहा है, मान लो आप कहीं बैठे हुए और आपके पास से ट्रेन गुजर गया सामने से, तो सिचुएशन में ट्रेन के द्वारा आपको पार करने में लगा जो है ना, लगने में उसने कितना डिस्टेंस तय कर रखा। मान लो कोई ट्रेन जा रहा है और आप बैठे हुए और आपको पार करने में ट्रेन कितना डिस्टेंस तय करेगा, जब ये सवाल पूछे तो ट्रेन की जो लंबाई है वही डिस्टेंस हो जाती है। डिस्टेंस क्या हो जाती है, ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन इंग्लिश में लिख लेना। ओके, और स्टिल हम लोग फॉर्मूला वही यूज करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। बात समझ में आई, ठीक है। चलो इस पे सवाल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे एक रेलगाड़ी जो है ना कि जिसकी लंबाई 200 मीटर है, निश्चित चाल से प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री को 12 सेकंड में पार कर जाते, तो ट्रेन की चाल बताओ भाई, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस है 2 मीटर। ओके, और हमको स्पीड पता नहीं है, ओके ना, तो यहाँ पे टाइम दे रखा है 12, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटा में 12। लेकिन ये तो भाई मीटर पर सेकेंड में हमको मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो हम क्या करेंगे, 200 बटा में 12 और 18 बटा में 5 कर दो, तो ये 6 दूनी 12, 6 3 18, ये हो जाएगा 200 × 3/10, तो 0 0 कट गया। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो जा रहा है, ठीक है भाई, तो ये चीज़ समझना आप। लेकिन ये तो मान लो किसी इंसान को या फिर किसी पोल को वगैरह वगैरह जिसके अंदर बहुत, मान लो किसी इंसान की तो दूरी होती नहीं है, किसी पोल की दूरी होती नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ को ट्रेन पार करे जिसके पास ऑलरेडी दूरी है, डिस्टेंस है, जैसे एक सुरंग, एक ट्यूनल, ठीक है, ट्यूनल ऑलरेडी, ट्यूनल लंबा होता है, एक पुल, ब्रिज, ब्रिज भी एक लंबा होता है, वैसी चीजों को अगर ट्रेन पार करे तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है भाई, ट्रेन की लंबाई प्लस में ट्यूनल या फिर ब्रिज की लंबाई हो जाएगी। ब्रिज की लंबाई को मान लेते हैं, स्टिल डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हम डिस्टेंस किसको मानेंगे, ट्रेन की लंबाई और ट्यूनल की लंबाई को ऐड कर दोगे, दोनों कंबाइंड वैल्यू को डिस्टेंस मानते हैं हम लोग। जैसे देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 48 सेकंड की चाल से, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ना अपनी आधी लंबाई की रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन की लंबाई मान लो ट्री है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई की आधी लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, हाफ, ठीक है, T/2। या फिर आप यूं मान लो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर P है तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो प्लेटफॉर्म से दुगना हो जाएगा, तो 2T हो जाएगा। तो किसी एक वैल्यू को लेके बना सकते हो आप लोग, 2P हो जाएगा। तो मैंने मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, T है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो T/2 हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई की आती है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों की लंबाई को ऐड कर दो, T+T/2। स्पीड हमारा कितना है भाई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि हमारा सेकंड में ये दे रखा है, तो मैं इसको भी मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और हमको यहाँ पे लंबाई कहा नहीं है कि मीटर में बताओगे किलोमीटर में बताओ, जनरली मीटर में ही डिस्टेंस को निकालते हैं हम लोग, और हमको 45 हो गया ये, तो 9 2 18, ये 9 5 45 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3T/2। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हमारा 3T/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 × 45/2, ठीक है। तो मैं इसको 2 2 कटा लूंगा और ये 3 से कटेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा ट्रेन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इनको सॉल्व करोगे तो 25 15 5 75, 75 5 कितना होता है, 25 25 27 37, 775 आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप एक बार करके देख लो, अगर इसकी वैल्यू 775 75 आ रही है कि नहीं, मैंने ऐसी माइंड में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मैंने एक चीज़ गलती किया, पता है क्या, देखो मैंने यहाँ पे कटाया है किसको, मेरे को कटाना था 45 को, मैंने कटा दिया 48 को, यहीं पे खेला हो गया। रुको, मैंने यहाँ पे क्या गलती की आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ।
मैंने यहाँ पे लिखना था, देखो मैंने ये लिखा था ना 48 किलोमीटर को मैंने वो मीटर पर सेकंड में किया था, तो मेरे को ये कटा था ना 9 दुनिया 18 और 9 5 45, इसको कटाना चाहिए था। मैंने बाई मिस्टेक इसको बोला था सही, पीछे करके देख लो, मैंने बोला था ठीक है 45 को कटा रहा हूँ, मैंने कटा दिया था इसको, इसीलिए हमारा पॉइंट में वैल्यू आने लगता। तो 3t/2 बराबर क्या हो जाएगा, 48 × 5 × 5/2, तो 2 2 कट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3 से कटाओगे नहीं है तो 3 एकम 3, 3 6 18, टी बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 16 5 80 और 80 5 400। तो आपसे ट्रेन की लंबाई नहीं पूछा, आप ये कह रहे हो 400 मीटर ही हमारा आंसर है, तो ये आंसर नहीं है। आपसे पूछ रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दो, प्लेटफॉर्म कितना है हमारा, तो t/2 है ना, तो 400/2 कर लोगे इट विल बी 200 मीटर, तो ठीक है हमारा 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपसे ट्रेन की लंबाई नहीं पूछा गया, और बहुत सारे बच्चे 400 मीटर ऑप्शन में देख के 400 आंसर कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपसे जो पूछा जाए वही आंसर करो, अपने मन से कुछ भी आंसर ना करो। ओके गाइस, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अरिथमेटिक का जो VBI टॉपिक था मैंने दे दिया, एडवांस मैथ अगर आपकी वो रहेगी, जैसे ना आपके अगर लास्ट टाइम में, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एडवांस मैथ पढ़ो, अरिथमेटिक पढ़ के जाओ, फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कमेंट करोगे कि एडवांस करा दो, तो एक छोटी सी वीडियो मैं एडवांस मैथ के ऊपर ही बना दूंगा। बट बस मैं ये कहूँगा ओवरऑल ये सफिशियंट है लास्ट टाइम के लिए, बहुत बेटर चीज़ें मैंने यहाँ पे दी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, जाने से पहले फिर से सारी PDFs की याद दिला दूँ कि प्रैक्टिस के लिए ये PDF पढ़ के जाओ, लास्ट टाइम में कम प्रिपरेशन भी है तो आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट करेगा ये। ठीक है, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो।